गाइस वेलकम टू माय चैनल PSVR राइडर। तो दोस्तों एक बार ब्लॉग के साथ आप लोग का स्वागत है और देख सकते हैं आज का नज़ारा कैसा है। और सुबह मैं उठ चुका हूँ गाइस, आज सुबह ही से ब्लॉग बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। और मैं सबसे ऊपरी फ्लोर पे आया हूँ, थर्ड फ्लोर पे हूँ। और मैं आप लोगों को पता ही होगा मैं झारखंड में हूँ, यहाँ के थर्ड फ्लोर पे आके उसके बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज का वीडियो टाइटल समझ ही गए क्या होने वाली है। तो गाइस यहाँ का क्या क्या नज़ारा है, क्या क्या सीन है, कितना दिन हम लोग कौन सा वीडियो बनाएंगे, वो भी इस वीडियो में रहेगी दोस्तों। और मैं ब्लॉग में कभी भी बने रहिएगा और कितना तेज हवा बह रही है देख सकते हैं। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक सीन है गाइस। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए यहाँ का गाइस। उधर मंदिर है तो इस मंदिर पे भी जाना है आज इस वीडियो में। और इधर का सीन देखिए, इधर एंटीना लगी हुई है डिश, तो यहाँ पे इतनी सारी डिश है गाइस देख सकते हैं। और उस साइड कुछ देख सकते हैं, उस साइड का कुछ नज़ारा ही कुछ अलग है। और इस सबसे ऊपरी फ्लोर पे हम लोग हैं और इधर का नज़ारा देखिए गाइस, इधर बहुत ही हरियाली है। और हम लोग इस साइड का दिखाते हैं, इधर टावर है, किस चीज़ का टावर है मुझे तो नहीं पता गाइस, बट ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। उधर देखिए, उधर पहाड़ है, तो उधर देखिए बहुत ऊँचा पहाड़ है, उधर भी हम लोग को जाना है आज इस ब्लॉग में। और उधर एक मंदिर भी है तो उधर हम लोग जाएंगे। और पहाड़ कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, तो देख सकते हैं। और उधर भी पहाड़ है बट दिखेगा नहीं क्योंकि बादल पूरी छाई हुई है। यहाँ का मौसम बहुत ही लाजवाब है गाइस, इधर देख सकते हैं यहाँ पेड़ है पर नीचे देखिए हम लोग कितने ऊपर आए हुए हैं, तो बहुत ही ऊपर हैं गाइस, आप लोग देख ही सकते होंगे नीचे कितना नीचे है। डर भी लग रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ बह रही है, कहीं हम लोग गिर ना जाएँ इसीलिए सावधानी से वीडियो बना रहे हैं। और उधर का सीन देखिए, इधर फुल्ली ग्रीन ग्रीन है गाइज, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हम लोग को। और देखते हैं कितना दिन रहना है, तो अब उस साइड चलते हैं, देखते हैं उस साइड क्या है। उधर का सीन कुछ ऐसा है गाइज देख सकते हैं, इधर का सीन भी बहुत मस्त है। और इधर देखिए पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी इधर है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आज कौन कौन सी जगह पर हम लोग जाने वाले हैं, इतना जितना दिन रहेंगे उतना दिन के अंदर, तो आज सारा जगह हम लोग जाना है। तो अभी मैं सो के उठा हूँ, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उधर देख सकते हैं मेरा दोस्त रंजन टहल रहा है। और इधर पेड़ है गाइज, नीम, जिसे नीम कहते हैं उसका, आप लोग देख चुके होंगे छत से कैसा नज़ारा आ रहा है। यहाँ तीन मंजिला पर हम लोग हैं, तो यहाँ से कैसा नज़ारा है आप लोग देख ही चुके होंगे। और हम लोग आप जा रहे हैं पूरा फ्रेश होके, वहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद ब्लॉग शूट पर निकलेंगे गाइज। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में और हम लोग जाके पूरा फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से। का ब्लॉग बहुत ही मस्त रहने वाली है गाइस, आज यहाँ का नज़ारा देख ही लिए हैं। उधर बहुत अच्छा अच्छा पहाड़ है गाइस हम लोग के बगल में, उधर कंपनी भी है तो उधर जाना है। और बोकारो का नाम सुने होंगे, बोकारो में स्टील कंपनी उधर भी है तो वहाँ भी जाएंगे। और कोला खान भी है धनबाद में, क्योंकि नाम ही है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि मनोज देव सर दिखाई हुए हैं आप इस वीडियो के अंदर की कोयला खान कितना बड़ा है, बट मैं भी एक दिन जाऊँगा। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। और जा रहे हैं हम लोग फ्रेश होने, तो फ्रेश होके फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस देख सकते हैं हम लोग पूरे रेडी हो चुके हैं और इधर मेरा दोस्त रंजन। तो गाइस ये बाइक से हम लोग आज जाने वाले हैं, क्योंकि अपाची तो है नहीं गाइस, क्योंकि झारखंड आए हुए हैं तो मेरे पास ग्लैमर है। तो हम और रंजन अभी जाने वाले हैं घूमने के लिए, यही कॉलोनी में रहते हैं। देख लीजिए यहाँ का सीन, देखिए गाइस ये कॉलोनी है। और गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, आज बहुत ही खतरनाक खतरनाक ब्लॉग आने वाली है, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएंगे ब्लॉग में वही हम लोग दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और कॉलोनी आप देख लीजिए, इसी कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। इधर देखिए बहुत ही अच्छा कॉलोनी है और देख सकते हैं उस साइड देखिए दोस्तों, उसी के ऊपर में हम लोग रहते हैं जहाँ इधर डिश लगी हुई है। और इस इधर देखिए यहाँ का नज़ारा मस्त है। और इधर गाइस इधर मंदिर भी है, तो ये मंदिर देख लीजिए। और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं ब्लॉग शूट पे। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं ब्लॉग शूट पे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए
बाहर की तरफ, आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो गाइस बहुत जोर से बारिश पड़ने वाली है, दिन देख सकते हैं यहाँ पर बादल पूरी लगाई हुई है। फिर भी आप लोग के लिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता रहूंगा बारिश में दिख कर भी। और गाइस देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही मस्त सीन है और बहुत भाई यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सब नोटिस कर रहे हैं। और गाइस उस साइड पहाड़ है तो उधर का हम लोग सीन दिखा रहे हैं। उस साइड देखिए कितना बवाल व्यूज है गाइस, और उधर देख सकते हैं चिमनी है, उस साइड पहाड़ है गाइस, आप लोग देख चुके होंगे। और उधर देखिए गाइस बहुत ही मस्त व्यू आ रही है यहाँ से गाइस, क्योंकि हम लोग भी कुछ ऊपर ही चढ़े हुए हैं, बट पहाड़ यहाँ पे नहीं है, पहाड़ कुछ दूरी पे है। तो मैं बोल चुका था कि मैं वीडियो आज नहीं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम यहाँ रह के कहाँ कहाँ जाएंगे। तो देख सकते हैं उधर पहाड़ है, उधर भी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और उधर ही कोल माइन होती है दोस्तों, कोयला खान उधर ही है, वहाँ देखिए, वहाँ नोटिस कीजिए, आप लोग वीडियो में जरूर देख रहे होंगे। तो गाइस दूसरे ब्लॉग में वहाँ जाएंगे, बट आज मैं डेमो दे देता हूँ कहाँ कहाँ जाना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे, उधर पहाड़ है, उधर ही कोयल माइन है, इधर का नज़ारा देखिए गाइस। और फिर से हम लोग आगे जाते हैं, उधर क्या है तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम लोग घूमते फिरते इधर चलाए हैं और इधर देख सकते हैं रंजन दोस्त। तो गाइस मुझे नहीं पता कहाँ पे आए हैं, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है लोकेशन, और उस साइड पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, तो वही दिखाने आए हैं गाइस कि हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में वहाँ भी जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि आज मैं कहीं जाऊँगा नहीं, बट बता दूंगा आप लोग को कि आज यहाँ रह के हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा गाइस देखने के लिए, बहुत ही मस्त लोकेशन है यहाँ का, और जिधर देखिए उधर हरियाली है गाइस, बहुत अच्छा लोकेशन है। ब्लॉग बने रही है, उस साइड का मंदिर दिखाते हैं कहाँ जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। वो पहाड़ के ऊपर में मंदिर है, नोटिस करिए आप लोग, उसी मंदिर के ऊपर जाके वहाँ का एक ब्लॉग बनेगा गाइस, बट मैं आज जाऊँगा नहीं क्योंकि बता चुका हूँ कि मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ का लोकेशन देखिए कितना मस्त व्यू है गाइस, इधर देख सकते हैं इधर घर भी है, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसा बात नहीं कि नहीं रहते हैं, पहाड़ी एरिया में भी बहुत आदमी रहते हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए मस्त लग रहा है, और नेक्स्ट ब्लॉग में पहाड़ के ऊपर जाएंगे उस मंदिर के पास, बहुत अच्छा मंदिर है कहा जाता है, वहाँ जाके जो मांगते हैं उसका मन्नत पूरा होता है। तो गाइस उस मंदिर के पास भी जाएंगे, आप लोग भी कुछ अपना विश पूरा होगा आप लोग भी मांग लीजिएगा जो मांगना होगा। तो गाइस इधर देख सकते हैं, और नेक्स्ट जगह हम लोग चलते हैं, अब कहाँ जाना है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा गाइस, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, ब्लॉग अभी जारी रहेगी। गाइस हम लोग घूमते फिरते एक और जगह पे आ चुके हैं, उधर दिखाए थे जो मंदिर था वो बजरंगबली के मंदिर थी गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो तो जरूर आएगी। बट हम लोग घूमते फिरते एक और पहाड़ की तरफ आ गए हैं, यहाँ पे मतलब मंदिर है, बट कौन भगवान की मंदिर है हम लोग को पता नहीं, बट नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। तो इधर देख सकते हैं गाइस, इधर देखिए बहुत ऊँची पहाड़ है, तो यहाँ का भी सीन लेने वाले हैं हम लोग, और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज बहुत ही स्पेशल होने वाली इस पहाड़ भी बहुत ऊँची पहाड़ है, यहाँ पर भी मंदिर है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे भगवान हैं, कौन है हमको पता नहीं, बट काली जी या दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहाँ भी जाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन, इधर पूरी हरियाली है दोस्त। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा गाइस, और मुझे मैं बता दूं कि घर से फोन आ चुकी है, तो हम लोग अब घर जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि अभी ब्लॉग आने वाले होंगे। मेरे घर से फोन आ रही है, दादाजी फ़ोन कर रहे हैं कुछ काम है, तो अभी घर जा रहे हैं, बट आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा गाइस, हम लोग मस्त मस्त लोकेशन पे भी जाने वाले हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। तो फाइनली गाइस आप लोग देखे होंगे हम लोग घर का सीन नहीं दिखा पाए, क्योंकि दोस्तों गाइस फोन आ गया था घर से, तो मैं अभी घर गया, और घर से बहुत लगभग एक दो घंटा बाद निकला हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही थी। तो गाइस बारिश के कारण हम लोग नहीं निकल पाए बाहर, दो घंटा के बाद बारिश छुट्टी है, फिर भी अभी हल्के हल्के पड़ रही है गाइस, फिर भी आप लोग के लिए मैं ब्लॉग शूट पर निकल चुका हूँ, और घर से लगभग कुछ ही दूर के बाहर, उधर देख सकते हैं उधर क्रिकेट ग्राउंड है, पीछे देख लीजिए तो उस साइड क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों, क्रिकेट खेला हो रहा है। और इधर रंजन दोस्त है मेरा, हम दोनों अभी थोड़े आराम करे थे, तो आराम करने के बाद बाहर निकले हैं। तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और पूरा घुमाते हैं हम लोग, देखिए बहुत ही इसमें गंदा है गाइस, बट इसे साफ करके अगर पानी दे दिया जाए तो स्विमिंग पूल की तरह लगेगी देखने में। और उस साइड देखिए गाइस, उस साइड अगर दिखाई दे रहा होगा तो उस साइड देख सकते हैं उधर मंदिर है काली जी का पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर भी जाएंगे गाइस,
और आप लोग पीछे जो देखे होंगे मंदिर, वो बजरंगबली का मंदिर था, तो वहाँ पर भी जाना है गाइस। तो आज हम कहीं जाएंगे नहीं, बट आप लोग को बताना था कि कहाँ कहाँ हम लोग यहाँ रह के जाना है। तो आप लोग देख चुके होंगे, और गाइस बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। और एक बात और, यहाँ से कुछ ही दूर बाद बोकारो प्लांट है, जहाँ पे स्टील प्लांट है बोकारो में, तो उधर भी जाना है गाइस, बट आज नहीं दिखा पाए क्योंकि आज बहुत ही बारिश पड़ रहा था तेज, इसी कारण उधर गए नहीं। बट हम लोग जाएंगे वहाँ पर भी, और कोयल माइन भी जाएंगे, उधर भी आज नहीं गए हैं। तो कोयला खान हम लोग को भी जाना है, और उधर देख सकते हैं, उस उधर हम लोग इसे ग्राउंड नहीं दिखाए हैं, बोलिएगा तो हम दिखा सकते हैं, कमेंट करिएगा। उधर क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और यहाँ का लुक देखिए कैसा है। तो गाइस एक चीज़ तो ज़रूर पता चला कि यहाँ अगर बिहार से आप लोग बाहर जाते हो तो एक चीज़ अच्छा लगेगा, क्योंकि सब आदमी जो है मतलब अच्छा से आप लोग से बातचीत करेगा, ये नहीं समझता है गाइस दूसरे जगह का है। और यहाँ हम लोग जिससे बात किए हैं बहुत अच्छा लोग था यहाँ पे, बिहार में भी अच्छा व्यक्ति होता है ऐसा बात नहीं है गाइस, बट यहाँ का भी सब सही था। और एक दो भैया भी हुए हैं, दोस्ती में कर चुका हूँ एक दो भैया से, वो लोग भी अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फुल्ली, बोले ब्लॉग कंटिन्यू करते रहो, तो आप लोग भी फुल्ली सपोर्ट करिए गाइस। और आप लोग कभी झारखंड आइएगा तो यहाँ ज़रूर आइएगा, धनबाद गाइस, धनबाद में बहुत सारा चीज़ है, आप लोग को इसे पता नहीं होगा, बट मैं तो ब्लॉग में आज दिखाई दूंगा, जितना दिन रहेंगे उसके अंदर हम सब चीज़ दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे दिखा देने के। तो गाइस हम लोग यहाँ रहते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का माहौल, तो सब चीज़ सही है गाइस, मुझे सब सही लगा। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।